मुंडौर थाना पुलिस ने गत शुक्रवार 23 मार्च को गांव उलाहेड़ी में एक मुर्गी फार्म हाउस से कर्मचारी को बंधक बनाकर 1800 मुर्गियां चोरी करने की घटना का खुलासा करते हुए 8 आरोपियों सहित चोरी के लिए काम में लिए गए 2 वाहनों को भी जब्त किया है। थाना अधिकारी वीर सिंह गुर्जर ने बताया कि दिनांक 23 मार्च को गांव उलाहेड़ी निवासी लाल सिंह पुत्र बख्तावर सिंह यादव ने मामला दर्ज कराया था कि 23 मार्च रात्रि को करीब 11 बजे पिकअप में सवार 6-7 व्यक्ति उलाहेड़ी गांव स्थित उसके मुर्गी फार्म पर सो रहे कर्मचारी हीरालाल को बंधक बनाकर 1800 मुर्गे पिकअप में भरकर चोरी करके ले गए, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश के निर्देशन में एक टीम गठित कर अज्ञात चोरों की सरगर्मी से तलाश शुरू की गई। इसमें पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही चोरी में लिए गए 2 वाहन भी जब्त किए हैं। ये 23 की रात्रि को उलाहेड़ी का लाल सिंह यादव का पोल्ट्री फार्म है, उसमें मुर्गी चोरी की वारदात हुई। चांदपुर गांव का मैन जो अभियुक्त है इसमें, जो मास्टर माइंड है, उसका नाम है नंदू, जाति से आई है। वो इस पोल्ट्री फार्म से कई बार खरीद फरोख्त की है उसने मुर्गों की, और आगे जाके उसके पास में खुद का एक टेंपो वो है जिससे वो मुर्गियों की सप्लाई करता है जी। उसके आधार से उसने रेकी की इसकी, और रेकी करने के बाद में अपने अन्य 7 सहयोगी जो बहरोड में रह रहे हैं, अलग अलग तरीके से जॉब करते हैं, कोई मुर्गा काटने का काम कर रहा है, कोई नगर पालिका में नौकरी कर रहा है, उनको एकत्रित करके और कार्य योजना बना करके और रात्रि को 22 अप्रैल 23 की मध्य रात्रि को इस वारदात को अंजाम दिया। इसमें हमने मुखबिर के आधार से और लोकल सोर्स के आधार से कुछ CCTV फुटेज कैमरा के आधार से इसको ट्रेस किया है। ट्रेस करने के बाद में मैन अभियुक्त नंदूर दुष्यंत को गिरफ्तार किया है, और उससे बाद जांच तफ्तीश मुर्गे ले जाने में जो व्हीकल काम में लिए हैं उनको रामद किया है, मैंने पैसा पकड़ा कराया गया है, और बाकी के और इस घटना में जुड़े हुए नंदू के अतिरिक्त 7 आदमियों को राउंडअप किया है, जिनको अभी गिरफ्तार किया है, न्यायालय में पेश करेंगे, और इस माल की सप्लाई कहाँ दी है और इस वारदात से जुड़े हुए और भी कोई लोग हैं या इन अपराधियों ने इससे पहले और भी कोई इसी तरीके की वारदात को अंजाम दिया है, उसके बारे में डेट पास करें।